इस धरा पर खड़ी मैं प्रारब्ध की रचना करती हूँ। साक्षी हूँ मैं कल के गौरव की, मैं आज की रचना करती हूँ। मैं झारखंड विधानसभा हूँ। प्रथम झारखंड विधानसभा के द्वितीय सत्र की बैठक की कार्यवाही दिनांक 12 मार्च 2001 को 11 बजे पूर्वाहन से माननीय अध्यक्ष श्री इंदर सिंह नामधारी के सभापतित्व में प्रारंभ हुई। प्रश्नोत्तर काल में 2 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित, 1 अल्पसूचित प्रश्न स्थगित, 6 तारांकित प्रश्न उत्तरित, 2 तारांकित प्रश्न स्थगित एवं शेष 9 तारांकित प्रश्न अनागत हुए। शून्यकाल की सूचनाओं पर चर्चा के दौरान सर्वश्री महेंद्र प्रसाद सिंह, थियोडोर किडो, प्रदीप कुमार बलमुचू, गिरिनाथ सिंह, भुवनेश्वर प्रसाद मेहता एवं श्री हेमलाल मुर्मू सभासदों ने लोक महत्व के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए उनके समुचित निदान करने हेतु सरकार से मांग की। कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना के अंतर्गत श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता एवं अन्य 3 सभासदों से प्राप्त विगत दिनों संपन्न हुए रामगढ़ चुनाव विषयक कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को नियमानुसार आसन द्वारा अमान्य घोषित किया गया। वहीं ध्यानाकर्षण सूचनाओं के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह यादव की मानव संसाधन विकास विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना पर प्रभारी मंत्री श्री चंद्रमोहन प्रसाद द्वारा एवं दिनांक 1 मार्च 2001 से सरकारी वक्तव्य हेतु स्थगित माननीय सदस्य श्री चंद्रशेखर दुबे एवं अन्य 5 सभासदों की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना पर प्रभारी मंत्री श्री मधु सिंह द्वारा सरकार की ओर से वक्तव्य दिया गया। सरकारी प्रस्ताव के अंतर्गत माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद केसरी द्वारा झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली एवं झारखंड विधानसभा सचिवालय भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली बनाने के लिए माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा को प्राधिकृत करने संबंधी प्रस्ताव को भी सभा द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। सभा के वित्तीय कार्य के अंतर्गत वर्ष 2001-2002 के आय व्ययक पर होने वाले सामान्य वाद विवाद एवं सरकार के उत्तर के क्रम में विभिन्न दलों के मध्य समय के आवंटन की घोषणा आसन द्वारा की गई। आय व्ययक पर होने वाले इस सामान्य वाद विवाद में माननीय सदस्य श्री स्टीफन मरांडी, नेता विरोधी दल श्री लोकनाथ महतो, श्री चंद्रेश उरांव, डॉक्टर सबा अहमद, श्री रामचंद्र नायक, श्री दिनेश उरांव, श्री नियेल तिर्की, श्री जेपी गैलस्टीन, श्री योगेंद्र नाथ बैठा, श्री अरूप चटर्जी, श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता एवं श्री हेमलाल मुर्मू ने भाग लिया, जिसके आलोक में वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री श्री मृगेंद्र प्रताप सिंह ने सरकार की ओर से उत्तर दिया। तदुपरांत सभा की बैठक मंगलवार दिनांक 13 मार्च 2001 के 11 बजे पूर्वाहन तक के लिए स्थगित कर दी गई।